सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस मोड़ पर मंजिल आपका इंतजार कर रही हो। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं। जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। आज का पंचांग 24 अगस्त 2020, दिन सोमवार, भाद्र पदमास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 2:31 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र दोपहर 3:20 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:44 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और ऐश्वर्य सिंह राशि पर रहेंगी। मीन राशि 24 अगस्त 2020, दिन सोमवार, किसी खरीदारी या बिक्री के बारे में कोई बड़ा निर्णय आपके दिमाग में है, पहले अपने परिवार से सलाह लें। व्यापारिक बैठक में आपकी आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि कुछ मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं। भविष्य के लिए पैसे बचाने के लिए अभी से सावधान रहें। कल मैंने संघर्ष करने का साहस किया था और आज मैं जीतने की हिम्मत करता हूँ। यह पंक्तियाँ आपकी वर्तमान स्थिति और विचारों को उचित रूप से बताती है। आज नए रिश्ते बनेंगे और पुराने और भी मजबूत होंगे। आपको आसानी से सफलता मिलेगी। रिश्तेदारों के साथ पारिवारिक मेल मिलाप होगा। काफी समय बाद सबके मिलने से सभी लोग अपने आप को तनाव मुक्त व आनंदित महसूस करेंगे। साथ ही किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी विचार विमर्श हो सकता है, जो कि लाभदायक रहेगा। आज के दिन आपके लिए अपनी क्रिएटिविटी का पूरा उपयोग करने का है। इस ऊर्जा को उचित दिशा प्रदान करेंगे तो लाभ होगा। इसके साथ साथ आज अभी आवश्यक है कि आप प्रयास करने के साथ प्रयास को फलित होने का भी मौका दें। धैर्य और संयम से काम लें। धन लाभ के योग हैं, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, केवल अपने व्यवहार में संयम बनाए रखें। आपके लिए आज नए बिजनेस की शुरुआत के लिए दिन अच्छा रहेगा। सावधानियाँ, घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, उनका उचित इलाज व देखभाल करें। इन सभी गतिविधियों में अधिक खर्च होने की वजह से बजट भी बिगड़ सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। लव लाइफ की बात करें तो पति पत्नी या अपने लिव इन पार्टनर के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, लेकिन इसको बेहतरीन बनाने के लिए आपको कुछ प्रयत्न करने चाहिए। समय समय पर प्यार का इजहार करना आपके रिश्ते को एक फूल की तरह खिला देगा। अभी कानूनी समझौते या ट्राई अप आपके पक्ष में है। आपकी जिंदगी आज एक नया मोड़ लेगी। आप अपनी योजनाओं को दूसरों को बताएं और इससे आप मूल्यवान सुझाव भी प्राप्त कर सकते हैं। प्यार एक चुनौती हो सकता है, लेकिन समय के साथ साथ आपके जीवन की डोर और मजबूत होगी। अपने संबंध को लेकर एक दूसरे को समझे व सख्त नियम ना बनाएं। करियर की बात करें तो आज के दिन आपका कार्य योजनाओं या बैठक आदि में व्यतीत होगा। चीजों को हल्के में लें, क्योंकि आने वाला समय मुश्किलों से भरा हो सकता है। पार्टनर या कोई करीबी साथी आपके आर्थिक मदद करेगा। आप शांत जीवन और परिजनों की खुशियां चाहते हैं, बस अपना ख्याल रखना ना भूलें। कल मैंने संघर्ष किया और आज मेरी जीत हुई, यह कहावत आपकी स्थिति का अच्छे से वर्णन करती है।
अभी आप तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, ऐसे में अपनी प्रियजनों की मदद लें। थोड़ी सी मेहनत करने से सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखें, मुश्किलें ही सफलता की सीढ़ियां हैं। सेहत की बात करें तो कम तनाव की वजह से आज ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा, उससे आपको राहत मिलेगी। अच्छा, आपकी सेहत ठीक रहेगी और आप स्वस्थ भी महसूस करेंगे। आज आप जिम भी जा सकते हैं ताकि सेहत लंबे समय तक बरकरार रहे। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।